नगीना का बहुचर्चित एवं प्रसिद्ध रामाडोल जुलूस बड़ी ही भव्यता के साथ बैंड बाजों के द्वारा धूमधाम से निकाला गया। रामाडोल जुलूस को लेकर प्रशासन पहले से ही पूर्ण अलर्ट था। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व एसपी रामअर्ज नगीना शहर के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी निगाहें रखे हुए थे तथा रामाडोल के जुलूस की पल पल की खबर ले रहे थे। जुलूस के पूर्ण मार्ग पर पुलिस के जवान तैनात थे। प्रशासन द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी के द्वारा भी कोई अप्रिय घटना घटित न हो। रामाडोल का जुलूस लगभग 2 बजे बड़े मंदिर से प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व बड़े मंदिर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी विपिन त्रिपाठी एवं रामाडोल कमेटी के अध्यक्ष साहू सलिल अग्रवाल एवं प्रबंधक मुकेश अग्रवाल द्वारा विधिवत पूजन उपरांत इस जुलूस की विधिवत आरंभता हुई। जुलूस का मुख्य आकर्षण का केंद्र कुल 9 अखाड़े एवं नगीना का प्रसिद्ध सम्राट बैंड और झांकियां रही। उक्त सभी अखाड़ों में सभी उस्तादों एवं उनके शिष्यों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों द्वारा नगर की जनता को मंत्रमुग्ध किया गया। जुलूस में बैंड बाजों द्वारा धार्मिक भजनों से सभी नगर निवासियों को भाव विभोर किया। रामाडोल जुलूस का संचालन मुख्य रूप से अध्यक्ष साहू सलिल अग्रवाल एवं प्रबंधक मुकेश अग्रवाल ने किया। समाजसेवी रोशन लाल तथा लवि मित्तल व नगर पालिका परिषद द्वारा पानी की व्यवस्था की गई। जुलूस में मुख्य रूप से कपिल अग्रवाल, बबली अग्रवाल, विकास शर्मा, रामडोल के जुलूस में उपस्थित रहे। जुलूस में चल रहे बैंड बाजों की धुनों पर एवं अखाड़ों में किए गए प्रदर्शनों से नगीना के निवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जुलूस में शामिल सभी झांकियां एक से बढ़कर एक रही। रामाडोल का ये जुलूस बड़े मंदिर से चलकर सराफा बाजार, बारादरी, पहाड़ी दरवाजा से होकर ब्राह्मणी वाले तालाब पर पहुंचेगा एवं वहां से इसी मार्ग से वापसी कर स्टेशन रोड पर आकर पूर्ण होगा। सुरक्षा की दृष्टि से शासन द्वारा सभी चौराहों एवं मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। नगीना से कृष्णवतार शर्मा की रिपोर्ट।